हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो आज मैं बात करने वाले हम लोग TCS हैशटैग द बिग मूव ITP डायरेक्ट हायरिंग को लेकर बताने वाला इस वीडियो में। स्टार्टेड सेंडिंग IRC DRC एंड फाइनल एग्जाम मेल के बारे में बताने वाला, और यहाँ पर जो हम लोग कवर करने वाले हैं निंजा डिजिटल जो कि फिर आपका ITP के अंदर में आता, और तीसरा आपका दूसरा है आपका BPS एंड देन Atlas हायरिंग। तो वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखना फ्रेंड, काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बता दो फ्रेंड, आप लोगों में से काफी लोगों को जो है अभी कुछ दिन पहले से इस तरह का मेल देखने को आपके पास आ रहे हैं, थिंक हैशटैग द बिग मूव रजिस्टर्ड फॉर TCS ऑफ कैंपस हायरिंग। बता दो फ्रेंड, अभी TCS का जो ऑफ कैंपस हायरिंग जो भी चल रहा है ITP का, उसका लास्ट डेट हायरिंग है फ्रेंड 20th of May। ओके 20th of May तक आप लोगों को फ्रेंड अप्लाई करना होगा। यहाँ पर फ्रेंड देखोगे तो मेंशन किया, आप लोगों में जूम करके दिखा देता हूँ फ्रेंड। यहाँ पर देखोगे तो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन द न्यू TCS इंडिकेटेड टेस्ट पैटर्न सोर्स और निंजा और डिजिटल ऑफर बेस्ड ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस एलिजिबिलिटी BTEC ME MTEC MC MSC फ्रॉम 2020-2021 and 2022 पास आउट बैच। अब आप लोग बोलोगे इस तरह 2019 क्यों मेंशन कर रखा है? देखो 2019 के बैच जो लोग रिजेक्टेड थे उनके पास ऑलरेडी अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आ चुका है। आप बोलोगे सर क्या प्रूफ है? मैं ऑलरेडी पिछले काफी ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ इसके ऊपर, मैंने काफी लोगों के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, मैंने काफी लोगों के प्रूफ आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ कि जो 2019 पासवर्ड बैच के हैं उनके पास जो रिजेक्टेड हो चुके थे उनके पास भी अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन देखने को आ रहा है। ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड बात फ्रेंड आप लोगों को कुछ इस तरह का मेल देखने को आएगा, जैसा मैं बताया फ्रेंड इस तरह का आप लोगों को मेल देखने को आ रहा है, काफी लोगों को जो इस तरह का मेल देखने को आ रहा है। तो सभी का बस डिजाइनिंग अलग है, बहुत आर सेम। ओके आप लोग देखो फ्रेंड सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ठीक है BTEC ME MTEC MSC MSC के वालों के लिए है। ओके और फ्रेंड आप लोग बता दूं इसमें जो फ्रेंड रेजोनेंस को है आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रेजोनेंस से भी आपको एक रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। तो आपके पास दो रिक्रूटमेंट हो जाएगी, ITP का आपका हो गया अलग, दूसरा आपका हो गया रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको असेसमेंट होते हैं, और असेसमेंट कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं मैं ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है तो फिर बता दो फिर आप लोगों में से काफी लोगों को जो है IRC का मेल आना चालू हो गया अभी। तो फिर देखोगे तो अभी एटलस का रिक्रूटमेंट एटलस का देखने को आ रहा है, और फिर जो है आपका 3rd May ऑनवर्ड्स जो है फ्रेंड काफ़ी लोगों के एग्जाम हुए भी थे, 4th and 5th May को जो है फ्रेंड TCS का ITP का एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, और उसके बाद फ्रेंड जो TCS ऑलरेडी अभी कुछ दिनों के अंदर में स्टार्ट कर देगी सेंड करना IRC DRC का मेल भी। ओके तो बेसिकली आपका IRC पता होगा फिर आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस असेसमेंट, और DRC आपका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस होता है, और DRC आपका होता है ड्राई रन चेक। ओके तो फिर इस तरह आप लोग का दो एग्जाम होंगे बिफोर द फाइनल एग्जाम, और यहाँ पर आपका लिंक वगैरह दिया रहेगा, आपका यूजर आईडी आपका रहेगा, आपका CTDT नंबर, आप पासवर्ड आपका रहेगा, फोन नंबर, बाकी आप लोग हमारा चेकआउट कर सकते हो। ठीक है तो फिर इस तरह का आप लोग का जो फिर डेट वगैरह टाइम वगैरह मेंशन किया हुआ रहेगा आपके मेल पे ही। ठीक है आपका एटलस हायरिंग का हो गया, आपका निंजा ITP रिक्रूटमेंट का हो गया। ठीक है तो इस तरह आपको मेल वगैरह देखने को आना काफी जल्द जो है चालू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो चालू हो चुका है। ठीक है तो आप लोग अपने मेल को जरूर चेक करते रहना, स्पैम फोल्डर को भी चेक करते रहना, ताकि आप लोग अपने मेल को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि IRC DRC का जो मेल होता है ना वो कभी कभी आपके स्पैम फोल्डर में चला जाता है, तो इस कारण से आप लोग मिस कर देते हो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ में पहले कई बार हो चुका है। इसलिए आप लोग, क्योंकि देखो IRC DRC कोई आपका एक कॉन्फिडेंशियल नहीं कि हाँ ये देना जरूरी है, IRC DRC का लोग मिस भी कर सकते हो, बट एज पर नाउ अगर आप लोग मेल को चेक करते हो तो आपके पास ये भरोसा रहेगा कि यस अगर मेरे पास IRC आया है DRC आया तो मेरे पास फाइनल एग्जाम आएगा ही आएगा। लेकिन IRC DRC इज नॉट अ मैंडेटरी टू गिव द एग्जाम, बस आपका IRC होता है सिस्टम चेक और DRC होता है आपका चेक कि आप सिस्टम के सामने बैठ पाओ कि नहीं बैठ पाओगे बिना हिले डुले, दैट्स इट, यही होता है आपका IRC DRC। ठीक है तो फिर आप लोग अपना मेल चेक करते रहना, काफी जल्दी आने वाला आप लोग के पास में भी हु विल रिसीव एग्जाम लिंक एंड व्हेन। बता दो फ्रेंड 20th May के पहले तक आप लोग पास देखने को आ जाएगा, और उन लोगों के पास सभी के पास आएगा जो लोग भी रिसेंटली जो है अप्लाई फॉर ड्राइव किए हो। डन रिजेक्टेड विल ऑल्सो रिसीव असेसमेंट लिंक, यस रिजेक्टेड विल ऑल्सो रिसीव असेसमेंट लिंक, ओनली डन अप्लाई फॉर ड्राइव, दैट्स इट फॉर द ITP रिक्वायरमेंट। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ठीक है तो फिर अगर वीडियो को अच्छा लगा जरूर करना, इसमें मैं प्रिपरेशन वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं जय भारत।